दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैपिटल बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गढ़ बनाना है। साइकिल्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बिकी हैं आज तक। पूरे देश में पहला स्टेट है दिल्ली अब कि ई साइकिल्स पे भी हम सब्सिडी देंगे। 5,500 रुपये की सब्सिडी होगी, पहले 10,000 साइकिल्स पे। और इसमें एक चीज़ और हमने किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए कि जो पहले 1,000 इन 10,000 में से साइकिल्स होंगी उनको एडिशनल 2,000 रुपये का फर्दर इंसेंटिव है। कार्गो के लिए जो ई साइकिल्स हैं वो थोड़ी भारी होती हैं और स्टर्डी होती हैं, उनके लिए जो सब्सिडी का हमने रखा है 15,000 रुपये तक की सब्सिडी होगी, पहली 5,000 जो साइकिल्स खरीदेंगी। तीसरा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई कार्ट जो खरीदे थे वो सिर्फ सब्सिडी अवेलेबल थी इंडिविजुअल को, लेकिन उसको हमें आगे बढ़ाते हुए अगर आप कोई कंपनी या कॉरपोरेट हाउस भी अगर ई कार्ट लेगा, जितनी डिलीवरीज वगैरह आजकल हो रही हैं वो काफ़ी सारे ई कार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आप अगर कोई कंपनी अगर ई कार्ट खरीदेगी, कोई कॉरपोरेट हाउस अगर ई कार्ट खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ई साइकिल्स हैं ये लगभग एक सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये अहम कदम होगा। ई साइकिल्स की ये सब्सिडी से खरीदने वाले को काफ़ी इसमें रुचि होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स की दिल्ली की सड़कों पर ऐड कर सकेंगे।